हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की इस खास यूट्यूब चैनल लाइन डाइट्स में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम BA LLB ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया है। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि लीगल वेब पोर्टल क्या है, जो एक लॉ स्टूडेंट के लिए और एडवोकेट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हमने टॉप 10 वेबसाइट जैसे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस का वेबसाइट बताया था, जजमेंट जो ऑर्डर होते हैं उन सब के वेबसाइट हमने बताया था, और लीगल न्यूज़ का भी हमने वेब पोर्टल बताया था। लेकिन उसमें उस वीडियो में हमने सिर्फ बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्रैक्टिकली सर्च करके गूगल इंजन सर्च के माध्यम से हम आपको उन सभी वेबसाइट के को बताएंगे। वेबसाइट पोर्टल में कोई आपको संदेह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक अपने सवालों को भेज सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वेबसाइट बताएंगे। यूजफुल लीगल वेब पोर्टल फॉर लायर, जो लायर हायरिंग के लिए वेबसाइट है उसमें हम चर्चा करने, सबसे पहले हम टाइप करने वाले हैं लॉ राटो। ये देखिए लॉ राटो वेबसाइट ओपन हो गया। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले दिया है आस्किंग ए फ्री क्वेश्चन, फाइंड ए लॉयर, फ्री लीगल एडवाइस फॉर टॉप लॉयर दिया है। और फिर इसमें जो होते हैं लॉयर भी अपना क्या कहते हैं साइन अप भी कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं इन वेबसाइट के माध्यम से। जो ये है इसमें क्या कर सकते हैं, फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं टॉप लॉयर के साथ, और टेक मतलब लॉयर भी हायर कर सकते हैं किसी भी मुकदमे के लिए। इसमें यह पहले दिए गए कि 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और फिर इसमें आपको सिटी चूज करना होगा, प्रैक्टिस भी चूज़ करना होगा, और फिर किस कोर्ट में है वो भी चूज़ करना होगा। इसमें क्या आप फ्री भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो ये हो गया लॉ राटो। अब हम चर्चा करेंगे लीगल सर्विस इंडिया। ये भी एक लायर हायरिंग के लिए वेबसाइट है। इसमें क्या लेटेस्ट आर्टिकल, लॉ लाइब्रेरी, और भी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी क्या है, फाइंड ए लॉयर। इसमें भी आप किसी भी लॉयर के साथ अपना इशू बता सकते हैं, ऑनलाइन लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर भी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप इन सब के माध्यम से किसी भी एडवोकेट से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जैसा वो फैमिली लॉ भी है, सिविल लॉ भी, कस्टमर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इन सब के माध्यम ये सब जो केसेस रहते हैं सिविल या फिर दीवानी, फौजदारी, ये सब अगर रहते हैं क्रिमिनल, तो आप अपनी सहायता ले सकते हैं टोल फ्री नंबर से या फिर और भी किसी माध्यम से सोशल मीडिया में। अब बात करेंगे एडवोकेट खोज वेबसाइट के माध्यम से। इसमें देखेंगे क्या है, ये भी एक लायर हायरिंग का एक बेहतरीन वेबसाइट है, जिसमें आप प्रेजेंट योर केस भी कर सकते हैं, वी एडवोकेट रिस्पॉन्स टू योर केसेस भी कर सकते हैं, सेलेक्ट योर एडवोकेट भी कर सकते हैं। इसमें भी आप किसी भी एडवोकेट को ऑनलाइन खोज सकते हैं, किसी भी एडवोकेट को आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले वेबसाइट की ओर। अब क्या है, ऑनलाइन कोर्सेस जो होते हैं उनके क्या क्या वेबसाइट है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे mylaw.net। इसमें क्या है, mylaw.net एक ऑनलाइन कोर्सेज का वेबसाइट है, जिसमें हम कोर्स कर सकते हैं, किसी भी कोर्स का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, फ्री वीडियो कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग, रीडिंग जजमेंट, कोर्स डिटेल, ये सब हम पता कर सकते हैं। ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए बेहतरीन वेबसाइट है। ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, जिसमें से आपको ये दिया है ऑल ऑफ माइला, मतलब इसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फीस पेड करना होता है, तो हुई ये वीडियो ओपन होगा और आगे की ओर आप बढ़ जाएंगे, जिससे लीगल राइटिंग आपको सिखाया जाएगा, लीगल रिसर्च कैसे होता है, इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग, इन सब यही वीडियो सिखाया जाता है, आपको कैसे सिविल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, आपको स्टडी के माध्यम से ये सब ऑनलाइन कोर्सेस है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट ला सीखो वेबसाइट। ये भी वेबसाइट क्या है, एक फ्री ला वेबिनार फॉर्म है। इसमें क्या है, चूज आप कोर्सेस है, इसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन या फिर पेड कोर्सेस अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स फीस पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप किसी भी कोर्स को ले सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं कि हमें ये क्या करना है, इस कोर्स को करना है, आप इसे टोल फ्री बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे जजमेंट के बारे में। जजमेंट जो ऑनलाइन होता है वो अगर देखना हो तो कैसे होगा, सबसे पहले हम करेंगे मनुपात्रा।
मनपात्र वेबसाइट एक ला स्टूडेंट के लिए और एडवोकेट के लिए बहुत बेहतरीन है, जिसमें हम जो जजमेंट आता है तो उसे हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन प्लान भी दिया है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जिसमें देखिए, हम सब्सक्रिप्शन प्लान को क्लिक करते हैं, जो अगर सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया तो जजमेंट देख सकता है। ये देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान दिया है, एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार रुपीज इसमें दिया है 7500 और डेली प्लान 99.9 इतना दिया है। ये सब दिया गया है जिसमें सब्सक्रिप्शन पहले लेना पड़ता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट यशस्वी ऑनलाइन लॉ। ये एक सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है जिसमें देखेंगे आगे, ये देखें लीगल रिसर्च खुल गया। हम डेस्कटॉप मोड पर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ये भी एक सब्सक्रिप्शन पेड कोर्स है, पेड में है। ये देखें आप इन सबके माध्यम से फ्रॉम टू ब्लॉग, ये दिया है, रोल्स क्या है, ओवरव्यू है, बुक रिलीज, ये लास्ट रिलेटेड आपको मिल जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे इंडिया कानून। इंडिया कानून में हम क्या है, किसी भी केस को टाइप कर सकते हैं, टाइप करके हम उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे सर्च करके केशवा नंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये देखें केशवानंद भारती का मामला यहीं पर होगा किसी में, या फिर ये सब एक केशवानंद भारती के ही जैसे समरूप हैं, तो आप इन सब जजमेंट को पढ़ सकते हैं। ये देखें नीचे दिया गया केशवानंद भारती, ये आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं, और नीचे दिया होगा डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया रहता है। तो आप इन सब इंडिया कानून के माध्यम वेबसाइट के माध्यम से आप किसी भी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे लीगल न्यूज वेब पोर्टल, तो सबसे पहले है लाइव ला। liveLaw.in ये वेबसाइट एक वेबसाइट भी है और ऐप भी है, जिसमें देखेंगे न्यूज, लेटेस्ट न्यूज क्या है। ये देखिए इसमें हम आपको ऐप के माध्यम से बताएंगे, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको क्या दिया है, इसमें भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन ऐप ही ऐसे चल जाता है। इसमें देखिए टॉप स्टोरी दिया है, न्यूज़ अपडेट दिया है और कॉलम्स दिया है, ये सब आप देख सकते हैं लीगल न्यूज़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट बार बेंच। बार बार एंड बेंच, इसका वेबसाइट भी है और यूट्यूब भी है, और क्या है, इसका ऐप भी चलता है। तो बार बेंच इंडियन लीगल न्यूज़, ये सबसे पहले ही लिंक दे दिया गया है, आप इस पर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। इसमें देखिए पहला इसमें भी दिया है न्यूज़ कॉलम, इसमें देखिए ये सब न्यूज़ ही है, जो जो रोज़ अपडेट होते हैं न्यूज़ के लिए वो अवेलेबल है। तो आप अगर न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दोनों वेबसाइट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कोर्ट की कुछ जानकारी लेना हो तो कैसे करना हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट इंडियन कोर्ट। indiancourt.nic.in कोई भी जानकारी कोर्ट का हो तो आप इन वेबसाइट के माध्यम से होम ई कोर्ट सर्विस, सॉरी थोड़ा नेट यहाँ पर स्लो है, ये आ गया indiancourt.nic.in। इसमें क्या है, ई कोर्ट सर्विस, जिसमें से हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है 39 है, हाई कोर्ट पेंडिंग केसेस जो है 5 मिलियन कुछ हैं, और इसमें हाई कोर्ट डिस्पोज केसेस जो है 31 मिलियन चल रहा है। इसमें आप पूरे कोर्ट का डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, PDF भी अवेलेबल है, और इसमें ऐप भी दिया है, और टोल फ्री नंबर जिसमें से आप किसी भी करंट स्टेटस योर केसेस रिटर्न SMS कर सकते हैं। ये सब कोर्ट का मामला चेक करना हो तो आप इन वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वेबसाइट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया
वेबसाइट के माध्यम से हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपडेट ले सकते हैं। इसमें दिया है कब से बार बेंच काउंसिल ऑफ इंडिया आया, हिस्टोरी एंड बैकग्राउंड भी दिया है, और इसमें क्या क्या अपडेट रूल्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, आपको ये भी पता चल जाएगा। इसी तरह कई ये वेबसाइट हैं, आप सर्च करके आप अपनी जानकारी को गेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉ मिनिस्ट्री, ये देखिए होम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आप इसमें भी कोर्ट का डिटेल कर सकते हैं। ये देखिए पीएम केयर, आप इन सब के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सब कोर्ट के ही वेबसाइट अप्रूवल दिए गए हैं। अब बात करेंगे ई कोर्ट, ई कोर्ट सर्विस, ये वेबसाइट इंडियन कोर्ट डॉट एन आई सी डॉट इन और ई कोर्ट सर्विस दोनों सेम ही ऑप्शन खुलता है। तो दोस्तों इसी तरह आप सब वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और क्या इसमें हम देखते हैं, किसी भी अगर केस को स्टेटस से करना हो तो आप यहाँ पर जाइए, केस स्टेटस ये लगा हुआ है। कोर्ट आकर कोर्ट ऑर्डर अगर डाउनलोड करना है तो आप इन सब के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉजेस लिस्ट भी, और लोकेशन अगर हम इलाहाबाद के देखेंगे, ये देखिए आप हमें सिलेक्ट करना होगा अगर ये सब करना हो तो। हम चलेंगे जैसा कोर्ट ऑर्डर, सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट, हमें डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, हम किस डिस्ट्रिक्ट के हैं और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, हमें ये सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश, हम डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, और सिलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स या रेलवे कोर्ट इलाहाबाद, तो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हम चूज़ करेंगे। इसमें क्या है, ओके, ये वादी और प्रतिवादी का नाम लिखना होगा और कौन सा ईयर है, अगर हम जानते रहेंगे तो हम सर्च कर सकते हैं, या पार्टी नेम भी डाल सकते हैं, या केस नंबर डाल सकते हैं, या कोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं। इन सब के माध्यम से हम कोर्ट ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह पूरे वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट में कोई भी संदेह है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों।